वेलकम टू मॉम्स यम्मी कुकिंग। आज की रेसिपी है इंस्टेंट रावा इडली। इसे बनाने के लिए एक बाउल में एक कप रावा यानी सूजी ले, उसी कप के नाप से आधा कप दही ले, अब 3/4 कप पानी को थोड़ा थोड़ा कर डालते हुए मिलाते जाए। बैटर तैयार हो जाने पर इसे ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे बाद बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर लें। अगर घोल गाढ़ा हो तो आप थोड़ा पानी मिला सकते हैं। इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, 1/2 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा या फ्रूट सॉल्ट डालकर मिलाएं। अब इडली कुकर या प्रेशर कुकर में 1 कप पानी बॉईल होने दें। इडली के मोल्ड को रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर लें। अब तैयार इडली के बैटर को मोल्ड में डालें। दूसरे मोल्ड में भी इडली का बैटर डाल के तैयार कर लें। मोल्ड को स्टैंड में सेट कर लें। इडली स्टैंड को इडली कुकर में रख दें, जिसमें पहले से 1 कप पानी बॉईल किया हुआ है। अब इस पर ढक्कन लगाकर 15 मिनट के लिए स्टीम होने दें। आप अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो ऊपर से सीटी को निकाल लें। 15 मिनट बाद गैस बंद कर 5 मिनट ठंडा होने दें। इडली स्टैंड को निकाल कर इडली को मोल्ड से प्लेट में निकाल लें। सॉफ्ट रावा इडली तैयार है। इसे सांबर और चटनी के साथ सर्व करें। वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। हमारे रीसेंट अपडेट्स को पाने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।